विधानसभा का चुनाव है और मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं. इससे पहले मैं 3 बार कॉरपोरेटर रह चुका हूं और फिर बाद में 2 बार विधान परिषद में MLC रह चुका हूं, 9 साल उसमें, और आज पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट हूं महाराष्ट्र का. आप लोग जब इस शहर में आए मेरे ख्याल से 95-96 के आसपास ये सोसाइटी बनी, 95-96 के आसपास ये सोसाइटी बनी, तब मैं अकेला कॉरपोरेटर था. पूरा भयंदर फाटक तब था और भयंदर फाटक से लेके तो काशीमीरा तक पूरा एरिया मैं अकेला कॉरपोरेटर था. तो आप समझ सकते हैं कि इस पिछले 30-35 सालों में हमने जो काम किया है वो आप लोगों के सामने है पूरे शहर में. एक लाइन में एक दे दो बेटा, बाद में फिर सोसाइटी में बांट देना आप लोग. जो काम हमने किया वो आप लोगों के सामने है. रास्ता, वाटर, गटर, मीटर, गार्डन्स, प्लेग्राउंड, स्मशान, कब्रस्तान, बरियल ग्राउंड, जॉगर्स पार्क, हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक, लाइब्रेरी, मॉर्ग रूम, बस स्टैंड, बस डिपो, पानी, म्यूनसिपैलिटी की बसेस, म्यूनसिपैलिटी के अस्पताल, मतलब आप यू नेम द वर्क, आप नाम बताइए और काम हम लोगों ने किया है. और ये आप लोगों के साथ के बगैर और सहकार के बगैर पॉसिबल नहीं था. और सब में बड़ा काम इस शहर में एक हुआ है जिसकी वजह से आप लोग भी यहाँ पर आए, कि चाहे 84 के दंगे हो कि 91 के दंगे हो, मगर ये शहर में अमन और शांति हमेशा बनी रही. और उसके लिए क्रेडिट जो जाती है वो आवाम को जाती है, दोनों तबके के लोगों को जाती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो. और यही वजह थी कि मीरा रोड और मीरा भयंदर हाइएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सटेंडेड सबर्ब ऑफ इंडिया बना. इंडिया में कह रहा हूँ, 85-81 इस शहर की आबादी सिर्फ 75,000 थी, आप लोग को पता भी नहीं होगा. 91 में ये 1.75 थी, 2001 के अंदर ये 5,13,000 थी और 2011 के अंदर ये 8,68,000 थी और आज ये शहर 15 लाख का है. इतने तेजी से कोई शहर पूरे हिंदुस्तान में बढ़ा है, ये सेंसस के स्टैटिस्टिक्स फिगर्स हैं, मेरे नहीं है. तो वो मीरा भयंदर है. सरकार के काम ऐसे होते हैं कि शहर बस जाता है, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, मगर इस शहर में आपने देखा कि लोग बसते गए और इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में बनता गया. आज अगर आपको मीरा भयंदर का ये रास्ता 150 फीट चौड़ा अगर आपको दिखता है तो इसका काम हमने किया. 95-96 में इसको बनाना शुरू किया. MMRDA के पास से 11 करोड़ रुपए का कर्जा हमने लिया, जो तुरंत बनने के बाद में परत फेड भी कर दी. 2014 तक के हम लोग कॉरपोरेशन में रहे, मगर 1 रुपए का कर्जा महापालिका पे हमने नहीं छोड़ा. लेकिन 5 साल के अंदर जो लोग सत्ता में हैं उन्होंने म्यूनसिपैलिटी के ऊपर 750 करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया है, नुकसान में डाल दिया है. बसेस जो हम लोगों ने लाई थी वो बसेस बंद हो गई है. मुख्यमंत्री आए, बसेस का उद्घाटन किए, मगर 5 साल में बसेस नजर नहीं आती है. पानी जो 175 MLD हमने लाया था वो 175 MLD ही रहा, बल्कि उसमें से 30 MLD कम हो गया. हीरा नंदानी को किसी ने डाइवर्ट कर दिया, आपने TV में व्हाट्सएप में देखा होगा, सुना होगा. 200 MLD का पानी हमने सूर्य प्रकल्प से जो केंद्र मंजूर कराया था वो 5 साल में काम पूरा नहीं हो सका. BJP के मैनिफेस्टो में था टोल नाका हटा देंगे, हट गया क्या टोल नाका? वो नहीं हटा. BJP के मैनिफेस्टो में था हम कोर्ट की शुरुआत कर देंगे, कोर्ट हमने बनाया. आप लोगों को बिल्डिंग कहाँ ये भी नहीं पता होगी, तो 15 नंबर का जो बस स्टॉप है कानागिया से जो राइट साइड में जाते हैं वहाँ पे हमने कोर्ट बनाया था, फर्स्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट बनाया. वो बिल्डिंग वैसे के वैसे पड़ी है, ये उद्घाटन भी नहीं कर पाए. गुलाम नबी आज़ाद अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनके माध्यम से हमने शहर के अंदर 1,000 करोड़ रुपये लाए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का काम किया, बस का काम किया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट हमने उत्तन में स्टार्ट करा, इन लोगों ने उसको भी बंद कर दिया. 5 साल से STP बन करके शहर में तैयार पड़ी है मगर चालू नहीं किया, मगर शहर में बोर्ड लगता है, मुझे गर्व है. किस बात पे गर्व है, किस बात पर गर्व है? अस्मिता कॉलेज के पीछे APJ कलाम ग्राउंड हम लोगों ने बनाया, तो गर्व किसको होना चाहिए? हमको होना चाहिए. स्टेशन का डेवलपमेंट किसने किया? आप में से कितने 95 से आप लोग यहाँ पे रहते हैं, 95-96 से क्या हालत थी स्टेशन की, अप्रोच रोड की और रोड की? ये तो आप लोग जानते हैं ना, वो काम हमने किया कि यू आपको लगता है कि किसी और ने किया? बोलिए ना किसने किया? तो हर चीज का काम हम लोगों ने शहर में किया, लेकिन हमने कभी बोर्ड नहीं लगाया मुझे गर्व, क्योंकि हमें गर्व नहीं था. हम उसको अपनी जिम्मेदारी समझते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे कि ये काम हमको करना है.
आप लोग इस शहर में रहने के आए हो, माइग्रेट होके आए हो, आज आपकी भी जनरेशन सेकेंड जनरेशन यहाँ हो गई है। हम तो पैदा ही यहाँ पर हुए, जहाँ पर हम बैठे हैं या हम चावल की खेती लगाते थे, इस जमीन में से हम बैलगाड़ी में शिवार गार्डन पे जाते थे पीने का पानी लाने के लिए, भैंसर से हम पीने का पानी लाते थे ट्रेन में। वो दिन हमने यहाँ पे इस शहर का देखा है, और आज हमने जब इस शहर को बनाया 30-35 साल में, तो बागबान जो होता है, जो बगीचा लगाता है, अगर उसके बगीचे में फूल पौधे अच्छे होते हैं, फसल अच्छी आती है, तो सब में ज़्यादा खुशी उस बागबान को होती है, तो हमको खुशी है। मगर हमको गर्व नहीं है, क्योंकि गर्व अल्फाज जो है वो अहंकार की बदबू आती है, घमंड की बदबू आती है। हमको गर्व नहीं है। 30-35 साल हम लोगों ने इस शहर में काम किया, वालिद साहब से लेके आज तक के 50 साल, दो जनरेशन हमारी इस शहर में लग गई। मगर मैं नहीं समझता कि कोई एक आदमी इस शहर में कहेगा कि मुजफ्फर हुसैन के या उसकी वालदा पे या उसके वालिद साहब के ऊपर किसी को डराने का, धमकाने का, दादागिरी करने का, अन्याय करने का, परेशान करने का, किसी का माल मत्ता खा जाने का, उसकी प्रॉपर्टी पे बोर्ड लगा देने का, इस तरह का कोई आरोप हमारे पूरे जीवन में, हमारे पूरे खानदान पर नहीं है। क्या अगर आप में से कोई कहेगा कि है और आपने किया है, मैं अपना नॉमिनेशन आज वापस ले लूंगा, क्योंकि हमने इस शहर को अपना घर माना है और आप लोगों का हमारे फैमिली के मेंबर्स माना है। हम बाहर नहीं समझते, इस शहर का हर नागरिक, हर परिवार ये हमारा फैमिली का मेंबर है। ये नजरिया है हमारा राजनीति का। और आज मैं ये राजनीति इलेक्शन क्यों लड़ रहा हूं, मैं 2 टर्म MLC रह चुका हूं, प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है मुझे। आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं, हाथ उठा के बताइए कितने लोग जानते हैं। राष्ट्रपति का अवार्ड मिला, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, बेस्ट स्पीकर का। और जो बीजेपी का लोक प्रतिनिधि है उसको क्या अवार्ड मिला, कि हाईकोर्ट ने बोला इसके ऊपर क्रिमिनल केस दाखिल करो, वेटलैंड का, मैंग्रोव का क्रिमिनल केस दाखिल करो, पब्लिक डोमेन के अंदर आज एफिडेविट है, मेरा भी है, उसका भी है, दूसरों का भी है। 22 क्रिमिनल केसेस है, 5 साल के अंदर 238% संपत्ति बढ़ी है। 238 नहीं, मैं कहता हूं कि 1000 करोड़ बढ़ना चाहिए, हम तो दुआ देते हैं लोगों को, मगर इस तरह से नहीं कि म्युनिसिपैलिटी 750 करोड़ रुपए के कर्जे में है और खुद का 750 करोड़ रुपए का क्लब बन रहा है। ये शहर में आम बात है कि म्युनिसिपैलिटी का टेंडर 25% पहला देना पड़ता है तो काम मिलता है, हमारे वक्त में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस शहर के अंदर करप्शन बढ़ा है, इनजस्टिस बढ़ी है, और मैं लड़ाई इनजस्टिस और करप्शन के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं 3 साल में 18 महीने बेड पे था, बेड रिडन था, हॉस्पिटलाइज था, घर में हॉस्पिटलाइज था, जानते हैं आप लोग सारे, बहुत सारे लोग जानते हैं ना। और मुझे ये इलेक्शन लड़ना और ये भागदौड़ करना डॉक्टर ने बिल्कुल एडवाइज नहीं किया है। मेरी फ्यूजन सर्जरी हो गई है, मेरे स्पाइन के अंदर प्लेट बिठा दी गई है। आई एम नॉट अलाउड टू सिट डाउन, आई एम नॉट अलाउड टू बेंड, गाड़ी में जर्क, उतरना चढ़ना मुझे अलाउड नहीं है। मगर 1.5 साल कंटिन्यूस जब मैं 3 साल बीमार रहा, लोग मेरे पास शहर से आते थे और मुझे कहते थे कि साहब आपने बिल्कुल राजनीति छोड़ दी आपके हेल्थ की वजह से, मगर इस शहर में अन्याय हो रहा है। ठेला लगाने वाला हो, रिक्शा वाला हो, दुकान वाला हो, हॉकर्स हो, बिल्डर हो, एजेंट हो, लैंड मालिक हो, इंडस्ट्री वाला हो, जो व्यापारी हो, गरीब हो, अमीर हो, हर एक के ऊपर अन्याय हो रहा है, दादागिरी हो रही है। आपके ऊपर डबल टैक्स लगा दिया, कचरे का टैक्स, मालूम है आप लोगों को डबल टैक्स लगा, गब्बर सिंह टैक्स। 5 साल में टोल नाका हटा नहीं, 5 साल में मीरा रोड किससे कोई लोकल शुरू नहीं हुई। क्या आपको नहीं लगता मीरा रोड से लोकल शुरू होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि भयंदर से लेडी स्पेशल शुरू होना चाहिए, बढ़नी चाहिए, और ट्रेन्स की संख्या बढ़नी चाहिए, गार्बेज टैक्स हटना चाहिए, पानी बढ़ना चाहिए, पानी का टैक्स 7 रुपए से 14 रुपया हो गया, जानते हैं आप लोग? अब पानी 1 घंटा आता था, अभी 15-20 मिनट आता, कितनी देर आता है। हमने पानी जब तक के आएगा नहीं, 2007-08 से नए कनेक्शन बंद कर दिए थे, मगर सत्ता में बैठे हुए लोगों ने अपनी बिल्डिंग और अपने बिल्डर और अपने प्रोजेक्ट के लिए 15,000 कनेक्शन दिया, इसके वजह से शहर में पानी कम हो गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम नहीं हुआ, कचरा डिस्पोजल का काम नहीं हुआ। कचरा उठाने के लिए हम लोग टेंडर दिया करते थे कॉरपोरेशन में 25 करोड़ का, अभी 100 करोड़ का टेंडर दिया जाता है। कचरा 450 मेट्रिक टन था 2014 तक के, अभी 550 मेट्रिक टन है। 20% कचरा बढ़ा तो 20% टेंडर की वैल्यू बढ़ना चाहिए थी, मगर बड़ी कितने 300%। कहां जा रहा है पैसा?
विदाउट प्रोसेस किए कचरा वैसे के वैसे डंप किया जा रहा है। म्यूनिसपालिटी के बाहर हरित लवादा का केस डाल दिया गया हुआ है। बस जो म्यूनिसपालिटी की चली थी चालू थी वो बंद कर दी गई है। हर चीज विषय उठाइए आप देख लीजिए, हर चीज के अंदर करप्शन और अन्याय हो रहा है। तो मैं ये चुनाव इस करप्शन और अन्याय के खिलाफ में लड़ने के लिए खड़ा हूं और मैं आप लोगों का इसमें साथ चाहता हूं। आपके भी इस दिल में सवाल आएगा कि कांग्रेस की राष्ट्रवादी की तो सरकार आने नहीं वाली है, तो साहब ये सब सवाल है और ये काम कैसे करेंगे। मैं 85 में सिर्फ यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था मीरा रोड का, जब मीरा रोड की आबादी 11,000 थी सिर्फ 11,000। अरे 1963 और 64 में तो यहां आबादी नहीं थी, तब भी हमारे वाले साहब ने ट्रेन यहां रुकवाया था। कितनों को पता है, हाथ उठा के बताइए कितनों को पता है। 100-100 पासस हर महीने के रेलवे के पासस लिया करते थे रेलवे को बताने के लिए कि यहां पर जनता पब्लिक रहती है, यहां से रेवेन्यू है आपको। तब जाकर के एक साल मुसलसल वैसे पासस लिए, तब जाके ट्रेन रुकना शुरू हुई मीरा रोड स्टेशन पे। मैं तो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, 2 ट्रैक से 4 ट्रैक कराया, 9 डिब्बे से 12 डिब्बे कराया, स्टेशन का डेवलपमेंट किया, पानी लाया, बस सर्विसेस 91 में BST की बस सर्विस हमने स्टार्ट करी। ये मेरा जो जाहिरनामा है उसमें आपको जूनी तस्वीरें दिखेगी, 64 का भी मीरा रोड दिखेगा, 2009 का भी दिखेगा और हर काम दिखेगा उसमें फोटो और तस्वीर के साथ में। तो कोई काम करने के लिए सत्ता की जरूरत नहीं होती है, ऑपोजिशन मजबूत हो और जनता का साथ हो तो हर काम हो सकता है। रेल रोको आंदोलन करेंगे, मीरा रोड से लोकल शुरू कराएंगे। बताइए हाथ उठा करके आप लोग मेरा साथ देंगे, ये सब लोग जल जाएंगे मेरे साथ। मेरे पास 4 बार रेलवे के केसेस हुए, मेरे पर 3 से 4 बार रेलवे के केसेस में मैं अरेस्ट रहा, 2-2, 3-3 दिन जेल गया। किसी को पता है, हमने कभी बोर्ड नहीं लगाया कि मुझे गर्व है। ये टोल लगा हटाना है, आप सबके पास गाड़ियां हैं, 500 गाड़ी एक तरफ और 500 गाड़ी एक तरफ, ले जा करके खड़ी कर देंगे, चाबी लेके लॉक करके घर में आके सो जाएंगे। बंद हो जाएगा कि नहीं हाईवे, बंद होगा कि नहीं होगा, सरकार को भी झुकना पड़ेगा। तो ऐसा मत समझिए, वो आमदार अभी आज बोलता है सरकार तो हमारी रहने वाली है, हमारी थी, ये कैसा काम करेंगे। तो सवाल वही तो उठता है कि जब सरकार तुम्हारी थी तो काम क्यों नहीं हुआ, क्यों टोल नहीं हटा, क्यों रेल नहीं बढ़ी, क्यों पुलिस कमिश्नरेट नहीं बना, क्यों डबल टैक्स लगाया, क्यों पानी नहीं आया। ये क्यों सवाल आता है कि आप 5 साल केंद्र और राज्य की सरकार आपकी थी, महापालिका में सत्ता आपकी थी, मेजॉरिटी में थी, फिर क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। तो मैंने ये सब काम करने का बीड़ा उठाया है और इस शहर से करप्शन और अन्याय हटाने का बीड़ा उठाया है। मुझे आप लोगों की उसमें साथ चाहिए और पूरा सहयोग चाहिए। मंडे का दिन है, न तो फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, मंडे छुट्टी, तो कोई माथेरान घूमने जाएंगे, कोई महाबलेश्वर घूमने जाएंगे, कोई मुंबई के अंदर अपने परिवार को मिलने को चले जाएंगे। बोले छुट्टी का दिन है यार, क्या करना है। सवेरे बोलेंगे अभी पानी आज लेट आया है, फिर बोलेंगे अभी चाय पी रहा हूँ, फिर अभी नाश्ता कर रहा हूँ, फिर अभी खाना बन रहा है, फिर खाना खा के आराम करेंगे, उठेंगे फिर चाय पियेंगे, फिर बोलेंगे अभी NH के पास तो बहुत गर्दी है यार, बाद में जाता हूँ। और जब जाओगे तब तक ये सेंटर बंद हो गया होगा। 135 करोड़ के आबादी वाले मुल्क के अंदर सिर्फ 45 से 50 करोड़ लोग वोटिंग करते हैं। आप अगर 1,000 फ्लैट है और अगर 1,000 स्लम्स में रहने वाले मकान है तो वो 1,000 में से 800 लोग वोटिंग करते हैं, और आप मकान में रहने वाले आलिशान बिल्डिंग में रहने वाले 200 लोग वोटिंग करते हैं। सत्ता किसकी बनेगी, जहां पैसा बटा होगा, जहां पे अन्य चीज बटी होगी, उनकी जिसने भ्रष्टाचार किया होगा वही बांटेगा, सही है गलत है। हमारे पास तो पूरे खानदान के पास मेहनत की कमाई है, हमने आज तक के जो कुछ किया अपने पैसों से किया। ये स्मशान कब्रिस्तान बरियल ग्राउंड हमने बनाया 2000 में, उस वक्त 6 करोड़ रुपए अपने जाति पैसे खर्च किया हूं, म्युनिसिपैलिटी के नहीं, जाति। आज उसको लेकर के सियासत कर रहे हैं कि जनाजे की नमाज पढ़नी है इसलिए वहां पे छपरा चाहिए। कितनी मिनट होती है जनाजे की नमाज, 1 मिनट? और कितनी जनाजे की नमाज आज 20 साल में वहां पे हो गई है, मुझे पूछिए आप, 8 जनाजे की नमाज कितनी हुई वहां पे, 8।
मगर क्या होगा फिर देवबंदी का जमात होगी कि बरेलवी की होगी कि सुन्नियों की होगी कि किसकी होगी, फिर 10 बड़ी रातें हमारी आती है, नौजवान जाएंगे वहाँ पे, बाजू में स्मशान है, बाजू में बरियल ग्राउंड है, वहाँ हाथ गाड़ी और ठेले लगेंगे, मटन चिकन कबाब बिकेगा, फिर जुम्मा की नमाज शुरू होगी, फिर रास्ते पे नमाज पढ़ेंगे, फिर अजान चालू होगी, वहाँ स्मशान में किसी की अंतिम यात्रा होगी, वहाँ बरियल ग्राउंड होगा, तो कम्युनल हारमोनी डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी, शहर की होगी कि नहीं होगी। कई मर्तबा लोग मेरे पास आए, मुझसे कहा कि साहब वो आप हमको छपरा लगाना, हम अपने फंड से अपने बिरादरी के राजस्थानी समाज ये समाज, मैंने बैठ कर समझाया दोजक की आग कैसे होगी, बर्दाश्त कर पाएंगे? तो ये तो जनाजे की नमाज है, चप्पल निकाल के उस पर खड़े रह के एक मिनट से कम लगता है और कोई वहां पढ़ाता नहीं है, सब मस्जिदों में जाते हैं जनाजे की नमाज। तो ये दूर दृष्टिकोण है हमारा, जो आदमी 6 करोड़ रुपया लगा करके स्मशान कब्रिस्तान बरेल ग्राउंड बना सकता है, वो 2 लाख रुपए का शेड नहीं बना सकता है, बना सकता नहीं बना सकता है, मगर वो शेड बनाने को लेकर के राजनीति हो रही है और कौम के अंदर अफवाहें फैलाई जा रही है। मगर ये दूरदृष्टिकोण है ही नहीं ना कि कल उठ करके क्या होगा वहां पर, किस तरह से जिस पर्पस के लिए सारे कम्युनिटी को एक रखने के लिए कि हम जीते जी साथ में, आपके यहां पे हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, क्रिश्चियन भी रहता है, रहता ही नहीं रहता है, प्यार मोहब्बत से रहते नहीं रहते, तो ये पता है किसकी वजह से है? वो जो एक कम्युनल हारमोनी की एक निशानी बनी है ना शहर में, जो पूरे हिंदुस्तान में एक में निशानी है, आपके यूपी राजस्थान के लोग आप लोग यहां पर है, बराबर है? मैं भले नहीं घूमू लेकिन कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन से राज्य का आदमी रहता है मुझे पूरा पता है, कर्नाटका के क्रिश्चियन है, गोवा के क्रिश्चियन है, महाराष्ट्र के कुछ मुस्लिम्स हैं, गुजरात के कुछ लोग हैं, गुजरात के मुसलमान हैं, हर इलाके को कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सी कम्युनिटी का आदमी रहता है ये मैं उसकी मालूम रखता हूं। तो इस शहर की कम्युनल हारमोनी को बचाने के लिए हमने ये सब काम आज तक की किया, और बोलने से भी नहीं डरता मैं इन बातों को साफ और ओपनली, क्योंकि दिल साफ है, दिल में कीना नहीं है और दिमाग में कोई फिजूल हरकत करने की बात नहीं है। आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे कभी आप लोगों ने आइए मुजफ्फर भाई आना चाहिए, उन्होंने गुजारिश करना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए, आज तक कभी आप लोगों ने नहीं कहा। आज भी आप लोगों की जो थी मैं आना चाहिए, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत थी, क्योंकि उस दिन मीटिंग हुई थोड़ी सी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हुआ, तो इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना डेमोक्रेटिक राइट जो है उसको पूरी तरह से निभाएंगे और मुझे बहुमतों से जो है चुन करके भेजोगे। मेहरबानी करके अपनी अपनी बिल्डिंगों की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए और वोटिंग के दिन मेहरबानी करके वोटिंग के लिए निकलिए। यही कह के मैं यहाँ रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज़।